विधाता भैदपुर बल्ला के नाम से चलती है। इस पार्टी के मालिक मैनेजर श्रीमान राम सुमेर शुक्ला जी शिवदासपुर एंड धाता और संचालक साहब श्रीमान मनसुख भैया भैदपुर बल्ला, ये दोनों लोग मिलके आज की रात्रि इस पावन धरती पर आप लोगों के खिदमत में कौन सा तमाशा पेश करेंगे। दोस्तों आज की रात्रि हिंदी साहित्य भोजपुरी रेडियो रोमांटिक ऐतिहासिक नैतिक नाटक मारधाड़ खून खराबा हंसी मजाक लव स्टोरी के साथ भरपूर मनोरंजन भरपूर कॉमेडी के साथ हाथ की सफाई नजर का खेल कर गया सर का चूक गया मौत मन का खेल मर्जी का सौदा ना कोई टिकट लगाया ना कोई पर्दा। तो दोस्तों आज की रात्रि ड्रामे का नाम क्या है सिर्फ आप नाम सुनिए बाद में काम देखिए। ड्रामे का नाम है कातिल दुल्हन। कातिल दुल्हन मंत्री की चाल और पटाखों विज्ञान से और पटाखों विज्ञान से कातिल दुल्हन मंत्री की चाल और पटाखों विज्ञान से छोटे बेटे का नाम अच्छा राजू है जी। बड़े बेटे का विवाह हो चुका जी महाराज जी। हमारे एक बहू है अच्छा जिसका नाम रोशनी है। का भैया महाराज जी का थे भूतनी रोशनी अच्छा रोशनी। लेकिन राज दरबारियों आज तुम दोनों से खुश होकर हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं महाराज जल्दी से कहिएगा हुजूर। राज दरबारियों जी महाराज के प्रभु की असीम अनुकृपा से आज इस मुल्क का शाम के हम महाराज बनकर के इस सिंहासन पर विराज जी महाराज जी। राजदरबारियों जी हुजूर और तेरी महिमा का नाम राजदरबारियों जी महाराज जी और तेरी महिमा का नाम कोई भेद सब जब हम राय दरबार में आते हैं हाँ। सिर्फ तुम दोनों बहादुर ही नजर आते हो जी महाराज जी। हमारे इस राज के महामंत्री दुर्जन सिंह नजर नहीं आते हुजूर। आप तो जानते हैं कि हम दोनों भाई की ड्यूटी आपकी देखभाल और यहाँ के साफ सफाई के लिए रहती है और मंत्री साहब भाई तो हमेशा हमेशा बस रैयत की तरफ देखभाल करते हैं। वो जैसे रोज रैयत की तरफ जाते थे आज सुबह होते ही रैयत की तरफ चले गए महाराज। हम तुम्हें आदेश देते हैं या तो फोन कर दो जी या आवाज लगा दो या बात हो जाए जी जी या मुलाकात हो जाए जी महाराज जी। उनसे कहना तुम्हें तत्काल महाराज राय दरबार में याद कर रहे हैं जी महाराज जी। हम चलकर आराम करते हैं। आप आराम अगर महामंत्री आ जाए तो हमें तत्काल सूचित करना जी। आप आराम कीजिए भैया। ए भैया हेलो ये हमारे 25-26 साहब की तरफ से 11 रुपया इनाम प्रदान हो रहा है।
ये फिर बार बार लगातार 25-26 फिर 11 रुपया इनाम प्रदान कर रहे हैं हमारी कंपनी की तरफ से, लाख लाख शुक्रिया। 25-26 हे भैया, कसम से इन तन के महाराज जी, हर इंडिया में जितने भी राज हो पूरे राज्य में इसी तरीके का महाराज भगवान बना के भेजे। क्यों नहीं भैया, इतने अच्छे हमारे भोले से महाराज जी हैं। अरे भैया, ए भैया भैया, देखिए टाइम बहुत कम है अपने पास, और महाराज जी का आदेश है शीघ्र मंत्री बुरबक सिंह को बुलाया जाए। बुरबक सिंह नहीं यार, अबे भैया दुर्गा सिंह। वाह, तू तू दुर्जन सिंह भैया, ऐसा करो तुम आवाज लगा दो, मैं घोरा दे। हमार अब सर विधवा हो जाइए, सरऊ बोले से पहले सोच ले वकर। मैं यार सोच लेते हूँ, सोच ना तो पैसा पा लेते हैं। अबे सोच ले वकर, बात यह है कि आवाज लगाओ गोहराओ बराबर है, दोनों एक आए, दोनों एक आए तो भैया आवाज लगाओ, फिर आवाज लगाई लगाओ। ऐलान सुनिए गौर से और फिर बातें करिए किसी और से। मंत्री दुर्जन सिंह हाजिर हो। कौन है बे? माया हूँ, माए तुम्हार जीजा। अबे साले कौन है, बोल नाम। मैं मौसी लाल बोल रहा हूँ। क्या? मौसी लाल। बे मौजी लाल होगा। हाँ मौजी लाल। कहे के लिए आवाज लगा रहा है? आवाज ऐसे लगाए हूँ तुमका जो ने महाराज जी पाद करत है। अबे याद किया होगा। हाँ याद करा, जल्दी चली आओ। वही ठहर में आ रहा हूँ। हाँ जल्दी से आओ। तेरी जान हूँ, कहे तो यार
कैसे तेरी जानू सुन ले बतावत तो भैया कसम से आज हम दोनों जन रैयत गई गवा है अब भूखन के मारे मोर जान निकरे खाना नहीं खा रहे हो ये देखिन मौका 20 रुपया दे मगाओ कसम से 20 रुपया का समूचा खाओ 10 बाल्टी पानी पियो मोर जान मजा नहीं तुम मोर जान नो हो इसलिए मैं तेरी जान हूँ आओ किया अरे हराम हो रहा क्या बोल आओ क्या दरबारी है राम आवाज किस लिए लगाया आवाज ऐसे लगाया हूँ मजा का कहाँ यही है इधर आ इधर आ क्या करेगा भाई क्या कर लेगा तो इसको हाँ वही के मार के दिखाओ मचा क्या कर लेगा हाँ बने मोछारा हो तो मार के दिखाओ हाँ कहो एक बात बता दो अब और दिमाग खराब होएगा आपकी मार तुम्हारे आपकी मार के दिखाओ तू कबे साले तो नीचे से मरवावा था महिका जब से रहो तुम ऊपर से मरवावा रहो ठाड़े ठाड़े गो सा का मारो तो मारो मोरे भैया के हाथों न लगा अरे लिपट यार डरा थनता गो सा अब ते मारो तो मारो बने मोछारो हो तुम अबे मादर चोधिया सब मारो सारे का हड्डा फाड़ दरबारी हरिराम हर कश्य बाज आ जाओ वरना मेरी मार में शैतान नाचते हैं फिर समझदार है तो समझ जा समझदार आवाज किसने लगाया आवाज ऐसे लगाया हूँ महाराज जी क्या हमें महाराज विज्ञान सिंह ने याद किया है हाँ विज्ञान सिंह विज्ञान सिंह बोल वही वाले वही बंदूक उठा अबे कंडूस ला दे अरे पकड़ लेता है साहब सस्ते जूता से न मारो महंगे जूता से मारो मेरा मुंह तोड़ेगा टूटी का तो दरबारी हरिराम चल हमें सम्राट विज्ञान सिंह के पास ले चल और बुलाया मुझे महाराज और बुलाया मुझे किसी लिखे बुलाने का कारण जानना चाहते हो जब तक आप बताएंगे नहीं
ये गुलाम दुर्जन सिंह कैसे जानेगा महाराज? और बुलाने का कारण बताओ जमा, उत्तर हमें दोगे? महाराज ये दुर्जन सिंह आपका गुलाम है, आपके एक इशारे पे मैं अपना सर कटा सकता हूँ। और फिर वो कौन सी बात हो जो मैं आपसे न बताऊं? पूछे महाराज, क्या पूछना चाहते हैं? और राज का महामंत्री, और राज का कैसा कारोबार? अरे मंत्री सगी सगी बतलाइए मंत्री सारा पता है कि आपके देश आसाम में इंशाल अकाल पड़ चुका है, लेकिन ये रैयत ये प्रजा आपके नाम की जय जय करती है। हम यही सोचते हैं कि जब तक हमारा जीवन है हमारी प्रजा को किसी प्रकार का दुख एवं संकट। लेकिन महाराज इस गुलाम दुर्जन सिंह के लिए कोई आदेश प्राप्त हो? अवश्य, तुम तो भलीभांति जानते हो कि हम अपने परिवार में 5 प्राणी हैं। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि आप खुद चले जाओ या राय दरबारियों को आग्रह कर दो कि हमारे पूरे परिवार सहित महारानी, हमारे दोनों राजकुमार एवं बहुरानी सहित परिवार में सबको राय दरबार में आसन ग्रहण कीजिए। महाराज दरबारियों तुम यहाँ से जाओ। ओए ओए बे, इधर आ साले चित कबरा, कहाँ जा रहा बे हराम खोर? पूरी बात नहीं हुई और तूने चल दिया? पूरी बात ना, तू यहाँ से जाया इसको भेज दे। अच्छा, बड़े राजकुमार राजेश, बहुरानी रोशनी। ओए साले डांगर, बताइए पहले पूरी बात सुन। छोटे राजकुमार अच्छा राजू, अच्छा राज मलका को आगाह कर दो कि महाराज ने आज पूरी परिवार को दरबार में याद किया है। अच्छा, प्लीज सिट डाउन आउट गेट। अरे जाओ यार जाओ। अरे ससु है पत्थर चिंग एक पलाई के फूक तो सर उड़ जाए, लेकिन ससु घूर घूर देखत है नौकरी से हम मजबूर हैं। ऐसा देखा था लागत लीलिन जाही। ए भैया, ए भैया बताओ ऐसा किन जाए? कैसा आ चला जाए? तू जगह तो तय चला जाए,
तू जगह मत चला जाओ, साथ में चारों लोगन का बुला लाई के आवाज आए। हाँ भाई चला जाऊ न छोटे राजकुमार राजू जहान के पास, अम्मा चला मैं चला जाऊ हिया से फटाक से पहुंचो बड़े राजकुमार हन का बुला लाई के आ जाओ। ठीक ठीक मजा था फिर। हाँ हाँ चलो चला जाए। कोहरावत कोहरावत चली सहित स्कूल जात हो तो रुक जाए। हाँ यह बात सही है। आवश्यक सूचना, राजमाता और बड़े राजकुमार राजेश, भाभी रोशनी, छोटे राजकुमार राजू दरबार में हाजिर हो। महारानी जी, लेकिन आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुआ। सही कह रहे हो, लेकिन राजसेवक आखिर ये बताइए आवाज किस लिए लगाए हो? महारानी जी यही बात तो मैं भी सोचता था कि महारानी जी आएंगी तो जरूर पूछेंगी, और मैं भी ये भी सोच रहा था कि इतने दिन हो गए आपको इस राजमहल में आए हुए, आज तक कभी महाराज ने आपको रात दरबार नहीं बुलाए। हाँ ये बात, लेकिन आज पता नहीं कौन सी बात है, महाराज जी ने आपको पूरा परिवार को रात दरबार में उपस्थित करवाए हैं। राजसेवक कोई खास तो बात जरूर होगी। ये तो मुझे नहीं पता, आप चलिए खुद ही पूछ लीजिए महारानी जी। ठीक है राजसेवक, चलिए आइएगा। के चरणों में प्यारी का प्रणाम स्वीकार। अरे स्वामी जी के चरण में अरे प्यारी का प्रणाम, अरे खुशी खुशी अरे दीजियो अरे कीर्तन।
प्राणनाथ, इस प्यारी को आज दरबार में याद करने का कारण क्या है? प्रिय, हम अवश्य बताएंगे, लेकिन पहले बताइए कि अभी हमारे दोनों राजकुमार एवं बहुरानी राय दरबार में उपस्थित नहीं हुए। हाँ नाथ, अभी तक आए नहीं, शायद आते ही होंगे। ठीक है प्रिय, आओ अपने दोनों राजकुमार एवं बहुरानी के आने का इंतजार करते हैं। प्रिय स्वामी आइए। प्रिय और चला जाए भैया, बड़े राजकुमार साहेबन को बुला ले के तुरंत आवा जाए, ऐसे कि महाराज जी न महारानी जी अभी भोजन भी नहीं किए, सुबह से शाम होने वाली है। मैं चलता हूँ, तुरंत बुला लेके आता हूँ। अरे जाए बहार बड़ी मस्तानी है। आज अचानक हमें राज दरबार से बुलाया आया है। रोशनी जी, हम भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी बात हो गई जो सारे परिवार को राज दरबार पर याद किया गया है। ना जाने कहीं आपने जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर दी। रोशनी हाँ, तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, कभी हमसे गलती हो ही नहीं सकती। क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? प्राणनाथ, जाने में तो मुझसे कोई गलती नहीं हुई, शायद अनजाने में हो गई हो, तो भगवान जाने। चलो कोई बात नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई, हमसे नहीं हुई। चलो राज दरबार पहुंचते हैं। चलिए साहब नमस्ते।
राज दरबारी नमस्कार बोलो। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, तुमने अचानक आवाज लगा दिया? हाँ दाल भात है। मैं दाल भात की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कौन सा ऐसी बात है जो तुमने अचानक सारे परिवार को याद कर लिया? ये बतिये माहिका कहाँ पता है? तुमको कुछ नहीं मालूम? हमें कौनो पता नहीं। तो कहे को आवाज लगा दिए हो? मैं कहाँ लगाए हूँ। अरे पगला, तो फिर किसने लगाए आवाज? मोर मुआ लगाई थी। अच्छा तुम्हारा मुँह ने आवाज लगाया है? हाँ हाँ। हमारे कानों तक आवाज गई और हमने आया इसे तुमसे पूछे कि आखिर कौन सी बात है जो सारे परिवार को तुमने याद किया है। अच्छा मतबल यह है आपका, तो ले सुनो बताओ। सुनाइए। कहे बताऊं? राज दरबारी रुक जाओ, बताओ तो ले सुनो। सुनाइए। अरे हटाओ हम न बताओ। राज दरबारी हमको गुस्सा लग रहा है। नहीं बताओ तू गुस्सा न ले सुन ले। सुनाइए। छोड़ो न बताओ। फिर तुम बदतमीजी कर रहे हो? बात यह है अबन तुमका तो गुस्सा न जाओ। बोलो कौन सी बात, हम नहीं गुस्सा होंगे। फिर माहिका मारियो तो न? नहीं मारेंगे। ये बताओ तुम अकेले हो कि भाभीन का साथ मलाए? अरे पगला, इसका मतलब तो कहना चाहता है कि भैया तुम अकेले हो या भाभी को संग लेकर रहे हो? कसम से बहुत दिन हो कि भाऊजी इनका देखा नहीं ना। तो तुम मिलना चाहते हो भाभी से? अगर तुम्हारा दिल बेचैन है मिलने के लिए तो तुम्हारी भाभी मेरे पीछे खड़ी है, मिल लो। आए बाप रे भाऊजी है के भाऊजी। ये कैसे बदतमीजी है? कहाँ बात कौनो गलती हो गई का? ये साड़ी को उठा रहे हो? आए बाप रे भाऊजी कसम से मजा कर रहा हूँ, यह तुम्हारी साड़ी मोरे नाखून में फंस गए। तो नाखून काट लिया करो ना। आज के बाद काट के आवा कर रही हूँ भाऊजी। मोहे मोहे का माफ कर दो, मैं गुब्बारा गलती ना करी हूँ। अब चलिए ठीक है, मैं ये पहली गलती है इसीलिए माफ कर रही हूँ और आगे से ध्यान रखना। ठीक। क्या बात है राज दरबारी? क्या बात थी? धोखे से भाऊजी अन की धोती मोरे नाम फंस कर डांटा थे। रोशनी जी प्राण, कोई बात नहीं, पहली गलती है और इंसान ही माफ करता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमको शीघ्र राज दरबार ले चलो। चलो पिताश्री। अभी तक तुम्हारा छोटा भाई राजी राय दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है तो बैठिए, हम अपने छोटे भाई को तुरंत बुलवाते हैं। राज दरबारी हमारा छोटा भाई राजू जहाँ कहीं भी हो उसे तुरंत आवाज लगा जाए कि तुम्हारे पिताश्री और माता श्री सिंह राज दरबार पे याद कर रहे हैं। आप बैठिए, मैं तुरंत बुला रहा हूँ। छोटे राजकुमार राजू दरबार में हाजिर। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा
लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे, हमारा नाम राजू है। हमारे नाम के दरबार से आवाज आई न जाने क्या बात है। हम चलते हैं, सबसे पहले राज सेवक से मिलते हैं। खुश रहो राज सेवक, खुश रहो। आप ये बताइए, आपने हमारे नाम की आवाज लगाई? हाँ, आवाज लगाने का कारण क्या है राज सेवक? भैया सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अभी तक थे कहां? हम अभी तक कहां थे? हाँ भैया राज सेवक, आज तक तुमने हमारे सामने ऐसी कोई जवाब सवाल नहीं किया। आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहां थे? हाँ ये बात तो सही है कि आज तक मैंने आपसे कभी सवाल जवाब नहीं किया, पर आज आपने सवाल जवाब करने का मौका दे दिया, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। मौका? किस चीज का मौका? मौका इसी सवाल करने का कि आपको अभी तक आप कहां थे और आपको पता नहीं है कि आपको दरबार में आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भैया, आपकी भाभी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बताइए आपको पता ही नहीं है? तुम्हारे कहने का मतलब कि पूरा परिवार हमारा इंतजार कर रहा है? हाँ आपका पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? मुझे मालूम नहीं है। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो। आइए, वहीं चल करके हम पिताजी से और माताजी से खुद के पूछेंगे। आइए चलिए, आओ चलो राज सेवक। अरे क्यों बुलाया गया पूरे परिवार को, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया गया पूरे परिवार को, कुछ भी समझ नहीं आती नहीं, और भैया भी ये खड़े हैं और संगी भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। बेटे राजू, खुश रहो राज सेवक। आज बहुत दिनों के बाद पूरे परिवार सहित राज दरबार में आग्रह किया गया कि अपने बाबू श्री और माता श्री के गले नहीं मिलोगे मुन्ना। ये कैसी बातें करते हैं पिताजी? अरे भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। और रही बात पिते, पूरे परिवार को आज राय दरबार में बुलाने का कारण क्या जानना चाहते हो? हाँ हम जानना चाहते हैं पिताजी। क्यों माँ, आखिर क्या बात है, क्या वजह है? मुन्ना राजू सुनो मेरे लाल, तो उच्च कुल में जलाम तुम ने बेटा लिया, सारी रैयत आदब से झुकाती, सबकी माया रे बगे को समा
से जिंदगी को बिताना सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे ना खोता हर दीन दुखिया की हर दम हम सेवा करे था कि कहता कसम पिताया करो खूब मेहनत करो तेरी सारी खुशी लेके कर जाओ ना हम तो सोचते हैं जिस प्रकार से ये मुल्क का शाम की रैयत हमारा माल और सम्मान कर रही है हमारे नारहर के बाद भी यही मान सम्मान हर वक्त तुम्हें भी प्राप्त मेरे लाल।